हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश टीवी में। आज के हम बात करने वाले LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप के बारे में। कई बच्चों कहना है सर फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, अप्लाई कैसे करें, इसको स्टेप बाय स्टेप बताइए, एक वीडियो बनाइए। तो आज हम लेके आ चुके स्टेप बाय स्टेप वीडियो, कंप्लीट फॉर्म फाइनल सबमिट करके हम दिखाने वाले हैं किस प्रकार से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, कैसे आपको पैसा मिलेगा, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो मैं आपको थोड़ा से इंट्रो बता देता हूँ इसका। अगर आप क्लास 10th और 12th में पास आउट हो चुके हैं 2021-22 अकेडमी ईयर में, हिसाब से लिखा गया अकेडमी 2021-22 में, वो भी 60% मार्क्स से, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप ग्रेजुएशन करने हैं, चाहे आप कोई सी मेडिकल फील्ड में जाओगे, इंजीनियरिंग फील्ड में जाओगे, कोई भी डिप्लोमा ITI कोर्स करो, आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको पैसा मिलेगा। ये फॉर्म COVID-19 के समय भी आया था, कई बच्चों को उस टाइम पैसा देकर भी गई थी। अब ये जो बच्चे एलिजिबल है वो रिन्यूअल भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे फ्रेश और रिन्यूअल कैसे अप्लाई करेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझेंगे। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड को में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, हम यहाँ पे LIC India.in की वेबसाइट पे आ चुके हैं। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है, इसमें वीडियो के लिंक में जाइएगा, आपको वहां से लिंक मिल जाएगा। उसके बाद आप मिलेगा यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप, है ना। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। सारी टर्म्स एंड पॉलिसी डिटेल्स वाइड वीडियो मैंने इसके रिगार्डिंग बना रखा है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना। पहले वाली वीडियो आई बटन पे दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा, उसको देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कौन से बच्चे अप्लाई कर पाएंगे, क्या इसमें एलिजिबिलिटी, क्या डॉक्यूमेंट मांगे, क्या इसका सिलेक्शन रहता है, सब कुछ बता रखा है उस वीडियो में, ठीक है। तो देखो क्या है इसमें, एंटर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, सिलेक्ट टू स्टेट, आपका जो भी स्टेट है यहाँ पे, आपका जो भी स्टेट है आप यहाँ पे ले लीजिएगा। चलो यहाँ पे राजस्थान में यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आ चुका है आपका, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपको डिस्ट्रिक्ट लिख लेना है। यहाँ पे जयपुर लिख लिया मैंने। फर्स्ट नेम आपका जो भी नेम है फर्स्ट नेम आपको लिख लेना है, सर नेम आपको लिख लेना है, फादर नेम आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको जेंडर लिखना है, मेल है फीमेल लिख लेना है। डेट ऑफ बर्थ आपको ध्यान रखे आधार कार्ड से मैच होना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड से मैच नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा मिसमैच होने का, ठीक है। नेशनलिटी आपको इंडियन रखना है क्योंकि इंडियन के लिए स्कॉलरशिप है। एड्रेस वन में आपको एड्रेस टाइप करना है, एड्रेस वन में ऐसे लिखना है आपको जो एड्रेस में बार नंबर होते हैं, जैसे आपका नंबर कौन से 8 है 9 है 10 है 15 CB, ऐसे जो होते हैं फ्लोर वैसे कहते हैं फ्लोर नंबर, वो आपको इधर लिखना है। उसके बाद फिर आपको एड्रेस टू में आपको पूरा एड्रेस आपको डालना है, कंप्लीट सिटी आपकी डालनी कौन सिटी है, पिन कोड आपको डालना है सही सही तरीके से। फिर लैंडलाइन नंबर है तो डाल दीजिए, लैंडलाइन नंबर में यहाँ पे कंपलसरी नहीं, आप देख लीजिए स्टार लगा हुआ नहीं है इसमें, तो छोड़ दीजिए, कुछ नहीं भरना है आपको। मोबाइल नंबर पे मोबाइल नंबर भरिएगा, ईमेल एड्रेस भरना है आपको। कैटेगरी में आपकी जो भी कैटेगरी, जनरल ओबीसी एससी एसटी फिजिकली हैंडेड, आपको सबको स्कॉलरशिप मिलने वाला अगर आप एलिजिबल है डिजर्विंग करते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपको यहाँ लिखना है, उसके बाद यहाँ लिखा है एजुकेशन स्ट्रीम पर्पस टू परस्यू। उसके बाद पूछा गया आप किस में परस्यू कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में, मेडिसिन में, आर्ट्स साइंस कॉमर्स डिप्लोमा वोकेशनल कोर्स इंटीग्रेटेड कोर्स, ठीक है। आपको जो भी है इसमें कीजिएगा, चलिए मैं जस्ट एग्जांपल की इंटीग्रेटेड कोर्स यहाँ पे कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन, इसके बाद कोर्स ड्यूरेशन आता है, कोर्स ड्यूरेशन आपका कितना है, 1 साल का है, 2 साल का, 3 साल का, जितने भी साल का कोर्स ड्यूरेशन है वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट, है ना, आपकी फैमिली की इनकम कितनी है, यहाँ पे लेस देन 25,000 से कम है, 25,000 से 50,000 के बीच है, जितनी भी आपकी फैमिली की इनकम है, एक इनकम सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, अभी नहीं तो बाद में देना पड़ सकता है। बच्चों कहना है कि सर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आया, डायरेक्ट फाइनल सबमिट हो गया, तो हो सकता है बाद में आपकी ईमेल के जरिए अगर आप सिलेक्ट होते हैं आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपसे ईमेल मांगा जाए या तो फिजिकली मांगा जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है। इसलिए गलत बिल्कुल मत लिखिएगा इनकम सर्टिफिकेट में, और इनकम सर्टिफिकेट वैलिडिटी वाला होना चाहिए, जो वैलिडिटी एक्सपायर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया है। उसके बाद आपके एंटर 10th मार्क्स में कितने हैं आपके, यूनिवर्सिटी बोर्ड इंस्टीट्यूट काउंसिल एग्जामिनेशन, आपने 10th कहाँ से पास किया है इसमें लिखा है, कौन से बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से पास किया है। जैसे हमें राजस्थान में एक सपोज मतलब राजस्थान में हमें राजस्थान बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, RBSC, अगर RBSC किए, CBSE किए, पंजाब बोर्ड से किए, बिहार बोर्ड से, जिस भी बोर्ड से आपने किया है उसका आपका बोर्ड यहाँ पे लिख लेना है। ईयर ऑफ पासिंग आपने कब पास किया है आपने 10th, ठीक है, तो आपको लिख लेना है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपका क्या है, परसेंटेज कितनी है आपकी 10th में, तो आपको यहाँ लिख लेना है। उसके बाद आता है एंटर 12th डिप्लोमा इक्विवेलेंट डिटेल यूनिवर्सिटी बोर्ड इंस्टीट्यूट काउंसिल एग्जामिनेशन, आपने 12th कहाँ से पास किया है, मतलब उसके बोर्ड इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, इसमें लिखा है बोर्ड, ठीक है, तो आपको बोर्ड डालना है। आपने 12th बोर्ड कहाँ से पास किया है, अपने राजस्थान बोर्ड से पास किया है, पंजाब बोर्ड से पास किया है, जिस भी बोर्ड से आपने पास किया उस बोर्ड का नाम आपको डालना है, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या है, 12th आपने कहाँ से कौन से ईयर में पास किया, तो 2021-22 से पास किया, जैसे बोला था कि 2021-22 में जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं एटलीस्ट 60% मार्क्स में, वो बच्चे इसको अप्लाई कर पाएंगे और बाकी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपको पैसा मिल चुका है पिछले लास्ट ईयर पैसा मिल चुका है तो आपको रिन्यूअल करना है, रिन्यूअल में एटलीस्ट आप 50% मार्क्स होने चाहिए सिक्योर में, तभी आपको स्कॉलरशिप मिल पाएगी आगे, ठीक है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स 12th में जितनी परसेंट आपको लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख लेना एनी अदर फैमिली मेंबर अप्लाइंग फॉर GSS स्कॉलरशिप, मतलब गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप, आपके और ही फैमिली मेंबर ने गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप अप्लाई किया है, अगर आपके आपके
परिवार में भाई बहन है अगर अप्लाई किया है तो यहाँ पे यस कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पूछेगा कि कौन से उनका नाम क्या, उस फैमिली मेंबर का नाम क्या, तो आपको नाम देना पड़ेगा। अगर किसी ने अप्लाई नहीं किया तो यहाँ पे नो कीजिएगा सीधा। उसके बाद बोला गया है आर यू रिसीविंग एनी अदर स्कॉलरशिप, क्या आप इससे पहले कोई स्कॉलरशिप रिसीव कर चुके हैं, यस या नो कर सकते हैं। अगर यस किए हैं तो आपको लिखना पड़ेगा आपने कौन सी स्कॉलरशिप आपने यस किया है, तो अपने हिसाब से भर लीजिएगा, जनरल चीजें ही है, अपने हिसाब भर भर, भर दीजिएगा। और उसके बाद बात करें बैंक अकाउंट डिटेल, आपका बैंक अकाउंट डिटेल आईएफएससी कोड यहाँ पे भरना है आपको सही से, बैंक नेम आपको भरना है, ब्रांच नेम आपको भर लेना है, अकाउंट नंबर आपको सही से देना है, लास्ट फोर डिजिट आधार नंबर आपको आधार नंबर देना है लास्ट फोर डिजिट का। उसके बाद जैसे आपको लगे कंप्लीट आपका हो चुका है, उसके बाद आपको यहाँ पे टिक मार्क, तीन टिक मार्क करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन में सबमिट कर देना है। हो सकता है आपका अभी सबमिट ना हो, ऐसा टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि मल्टीपल टाइम अप्लाई करते रहोगे सबमिट तो हो जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो यहाँ पे सभी फ्रेंड्स आप फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देंगे, उसके बाद फिर अगला प्रोसेस क्या आएगा मैं आपको बताऊंगा। आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा, आपका फॉर्म वेरिफिकेशन लेवल में पहुंच जाएगा, आपको कहीं भी डॉक्यूमेंट जमा करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आपका वेरिफिकेशन यहाँ पे होता रहेगा तब आपको ऐसे आपकी ईमेल आईडी पे, जो आपने ईमेल आईडी दिया है उसमें एक मेल मेल किया जाएगा लिंक के थ्रू, आपने सारे डॉक्यूमेंट जो आपके नजदीकी जो एलआईसी सेंटर्स होते हैं, बहुत सारे एलआईसी सेंटर होंगे आपने देखे होंगे अपने नजदीकी सेंटर में, वहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स ऑफलाइन में आपको जमा करने होंगे। हो सकता है ये ऑनलाइन लिंक के माध्यम से जमा भी करवाया जाए। जैसे इसके बारे में कोई अपडेट आता है, पुख्ता खबर आती है, हम इसके रिगार्डिंग वीडियो बना देंगे। तब से स्टे ट्यून और वीडियो कंप्लीट देखना, फ्रेंड को शेयर करना और अधिक जानकारी लेके चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम फॉलो जरूर कीजिए। धन्यवाद।